इसलिए तो बोल मैं सॉल्व करवा सकती हूँ। एक तो बजाय तो मान लेता हूँ, एक रुपए में ऐसी कौन सी एंट्री गलत कर दी भैया आपने? आपने कौन सी एंट्री एक्स्ट्रा कर दी? कितनी आ रही है? आपने कल चला से नहीं ली थी, फिर आपको क्वेश्चन था। चले बोल दी क्वेश्चन बोली। अंजलि क्या कर रहे हैं आप? अपन यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट अंडर में आप इसको डाल रही है, कैपिटल अकाउंट एंटर कर दिया, आप इसको सेव कर देना। सोन पर ही उठी आप वहाँ से, जल्दी क्लास अटेंड वैसे ही जाना। सिद्धि दादी आप भी उठी, आप उठिए तो आप आइए जाइए, आप इस तरफ जाइए पीछे, सना के पास, सना के पास पीछे पीछे पीछे। सुन रही है सोन पर ही, हम आपसे क्या बोल रहे हैं? पीछे वाले में, हाँ पीछे वाले। ठीक है, एक आप यहाँ पे बना लेना बैंक लोन अकाउंट, अंडर में आप इसको डाल देना लोन लाइबिलिटी, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। फिर अपन एच डी एफ से बैच चलते हैं। वाउचर एंट्री के लिए आप भी प्रेस करेंगे, एंट्री करेंगे एफ सिक्स से, रिसीव वाउचर टू में आ जाएगा कैपिटल, कितना था? 10 लाख। फिर आप इसको टू करना, टू में आप लिखना बैंक लोन 5 लाख, बाय में आ जाएगा के, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। इतना ही लो सर। माल खरीदना है तो एंट्री आप करेंगे F9 से परचेज वाउचर, एफ वाउचर सिलेक्ट करना है। नगद माल है तो टू में आ जाएगा कैश, कंट्रोल प्लस एन करते हैं 95,000 पे 5% कैश तो मल्टीप्लाई 5/100, अमाउंट आ जाएगा 4,750। आप 95,000 में से ये अमाउंट माइनस कर देना, अमाउंट आएगा 90,250। कैश के सामने आप लिखेंगे 90,250, एंटर करेंगे, बाय में परचेस आ जाएगा, अल्टर प्लस सी से परचेस का ले जाना है, परचेस अकाउंट अंडर में ही आ जाएगा परचेस अकाउंट, एंटर करके सेव। इसमें आप अमाउंट डाल देंगे 95,000 और टू में आ जाएगा डिस्काउंट, अल्टर प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर बना लेते। ये डिस्काउंट परचेस वाला है, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, एंटर करके आप इसको सेव कर दें। इसमें अमाउंट आ जाएगा 4,750, एंटर करके सेव। नेक्स्ट बोलो, पूरा बोल दी। माल बेचना है तो एंट्री आप करेंगे एफ एट से सेल्स वाउचर में, एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। नगद माल बेचना है तो बाय में आ जाएगा कैश, कंट्रोल प्लस एन करते हैं 85,000 पे, पहले अपन 2% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/100, अमाउंट आ जाएगा 1700। आप 85,000 में से माइनस कर देना 1700, अमाउंट आएगा 83,300। फिर इस पर आप निकालना 3% कैश डिस्काउंट, मल्टीप्लाई 3/100, अमाउंट आ जाएगा 2,499, आप इसमें से ये अमाउंट माइनस कर देना, अमाउंट आएगा 80,801। आप कैश के सामने लिखना 80,801, टू में आ जाएगा सेल्स, अल्टा प्लस सी से सेल्स का लेजर बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट अंडर में ही आ जाएगा सेल्स अकाउंट, एंटर करके सेल। इसमें अमाउंट आ जाएगा 83,300 और बाय में आप लिखना डिस्काउंट, अल्टा प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर बना देते हैं, डिस्काउंट अकाउंट, ये डिस्काउंट सेल्स वाला है, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। इसमें अमाउंट आ जाएगा 2,499, एंटर करके सेव।
बस बस रचाई रचाई रुक जाइए आप एंट्री करना। एफ नाइन से परचेज वाउचर में पार्टी अकाउंट नंबर में लिखेंगे पर्सन का नाम मोहन से माल खरीद लें, अल्टे प्लस सी से मोहन के नाम से ले जाना लेंगे। अंडर में आप इसको डाल देंगे सनरी क्रेडिटर्स, एंटर करके आप इसको सेव कर देना। परचेज लेजर में आ जाएंगे परचेज, अल्टे प्लस सी से आइटम बना लेते हैं। कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं आप, आइटम में लिखना कंप्यूटर, एंटर करें एंटर। अंडर में इसका ग्रुप कंप्यूटर हो जाएगा, अल्टे प्लस सी से आप ग्रुप बना देना कंप्यूटर, एंटर करना। अंडर में आप इसको प्राइमरी डाल देंगे, यूनिट हो जाएगी पीसेस, अल्टे प्लस सी से आप यूनिट बनाएंगे पीसेस, एंटर करके सेव। फिर आप इसमें एफ एल एन प्रेस करना, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गो डाउन, इस ऑप्शन को आप यस कर देना और एंटर करके सेव कर देना। अब यहाँ पे गो डाउन बना लेंगे आप, अल्टे प्लस सी से यहाँ पे गो डाउन क्रिएट करना गो डाउन वन के नाम से, एंटर कर देंगे। अंडर में ही आ जाएगा प्राइमरी 22 1 करेट, एंटर कर देते। फिर अल्टे प्लस सी से आप नेक्स्ट आइटम बना लो, अंडर में इससे ग्रुप हो जाएगा प्रोजेक्ट, अल्टे प्लस सी से आप इससे ग्रुप बना लेंगे, यूनिट हो जाएगी पीसेस, एंटर करके आप सेव कर देंगे मेन लोकेशन। फिर आप यहाँ गोडाउन में सिलेक्ट करना मेन लोकेशन 22 1 करेट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा इतना ही, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब बोलिए कमीशन एडवांस में मिला मिल रहा है तो एंट्री आप करेंगे ऐप से सिर्फ बाउचर में, कमीशन मिल रहा है तो आपके पास केस आ रहा है, बाय में आप लिखेंगे केस और टू में लिखना अनएक्रूड कमीशन, अल्टे प्लस सी से आप अनएक्रूड कमीशन को ले जाना। अंडर में आप इसको डाल देते हैं करेंट लाइबिलिटीज, एंटर करके आप इसको सेव कर देना अमाउंट, और बाय में आ जाएगा केस, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट सैलरी देना थी 35,000 जिसमें से 20,000 दे दिए, 15,000 देना बाकी है तो एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर, अल्टे प्लस सी से आप सैलरी का लेजर बना लेंगे सैलरी अकाउंट। अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके आप इसको सेव कर देना। पे कितना करना है टोटल अपन को 35,000 जिसमें से 2 में आपने केस दे दिया 20,000, 15,000 देना बाकी है तो वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, अल्टे प्लस सी से आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेकर बना लेंगे। अंडर में ही आ जाएगा करेंट लाइबिलिटीज, एंटर करके सेव, इसमें अमाउंट आ जाएगा 15,000, एंटर करके आप सेव कर देंगे। माल बेचना है एंट्री आप करेंगे एफ एड से सेल्स वाउचर, नजर दे तो पार्टी अकाउंट नंबर में आ जाएगा यस। सेल्स लेजर में आप लिखेंगे सेल्स, अब यहाँ पे आप लिखना नेम ऑफ आइटम कंप्यूटर, गोडाउन वन से सेल कर रहे हैं आप 22 1 करेट 28,000 आप एंटर करना फिर एंटर। फिर आप प्रोजेक्टर भी सेल कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट करना मेन लोकेशन, एंटर कर देंगे फिर एंटर करना। फिर आप इसको एक बार एंटर करेंगे अभी यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, एक बार और एंटर करेंगे तो अभी यहाँ पे लेजर सेलेक्ट हो जाएंगे, इस पे डिस्काउंट था आप यहाँ पे डिस्काउंट सेलेक्ट करना सेल्स वाला कितना था आप यहाँ पे लिख देना -5, एंटर करेंगे डिस्काउंट का अमाउंट माइनस हो जाए। फिर एंटर करेंगे इस पे जीएसटी है आप अल्टे प्लस सी से जीएसटी का लेजर बना लेंगे, जीएसटी को आप अंडर में डाल देते हैं ड्यूटीज एंड टैक्स में, इसमें आप